नमस्कार, आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सेल राउरकेला स्टील प्लांट द्वारा आयोजित डीजी धन मेले का माननीय केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री श्री विष्णु देव साई के कर कमलों द्वारा उद्घाटन। आरएसपी द्वारा राष्ट्र स्तरीय इस्पात सुरक्षा पुरस्कार हासिल। और आंतरिक जांच में प्रस्तुतीकरण योग्यता पर कार्यक्रम आयोजित। अब समाचार विस्तार से। माननीय केंद्र इस्पात राज्य मंत्री श्री विष्णु देव साई 30 तारीख अपराह्न में स्थानीय बैंकों के सहयोग सहित सेल राउरकेला स्टील प्लांट आरएसपी द्वारा आयोजित डिजी धन मेले में भाग लेने हेतु राउरकेला पधारे। आरएसपी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री अश्विनी कुमार, एडीएम राउरकेला आईएएस सुश्री मनीषा बैनर्जी, कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री पी के प्रधान, कार्यपालक निदेशक वर्ग श्री शुभेंद्र दास, कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री परमानंद साहू, कार्यपालक निदेशक परियोजना श्री राजीव अग्रवाल, उप महाप्रबंधक जनसंपर्क तथा संचार मुख्य श्री रमेंद्र कुमार तथा आरएसपी के साथ साथ ओडिशा सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने हवाई पट्टी पर गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। हवाई पट्टी पर सीआईएसएफ कार्मिकों ने माननीय मंत्री को गार्दी सलामी प्रदान किया। राउरकेला हाउस पहुंचने पर ओडिशा पुलिस कार्मिकों द्वारा उन्हें गार्दी सलामी दी गई। उन्होंने भंजर भवन में आयोजित डीजी धन मेले का उद्घाटन किया और उपस्थित लोगों को संबोधित किया। इस उपलक्ष में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान किया। इसके बाद वे मेले की ओर गए और लोगों से बातचीत की। श्री साई शाम को राउरकेला से रवाना हुए। डीजी धन मेले के दौरान राउरकेला के स्थानीय बैंकों एवं सेवा प्रदानकारियों ने डिजिटल भुगतान विकल्प के विषय में जागरूकता उत्पन्न की। उन्होंने डिजिटल भुगतान तरीकों के विभिन्न प्रक्रियाओं के प्रचालन को दर्शाने हेतु स्टॉल लगाए और डिजिटल भुगतान टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने हेतु दर्शकों को प्रशिक्षित किया। यहाँ विक्रेताओं ने भी अपने स्टॉल लगाए और स्थल पर डिजिटल भुगतान भी स्वीकार किए। उल्लेखनीय है कि दिसंबर 2016 से सेल आरएसपी कैशलेस प्रक्रिया में है और विभिन्न केंद्रों जैसे इस्पात जनरल अस्पताल, नगर सेवा विभाग एवं अतिथि भवनों में सभी भुगतान केवल डिजिटल प्रक्रिया में ही स्वीकार कर रहा है। आरएसपी द्वारा सभी भुगतान भी कैशलेस प्रक्रिया में किए जाते हैं। कोल एवं कोक जोन तथा स्टील एवं सीसीएम जोन हेतु शून्य जोखिम प्राप्त करने हेतु सम्मानित करने के लिए क्रमश वर्ष 2015 एवं वर्ष 2016 हेतु 27 मार्च को कार्यपालक निदेशक वर्ग के सम्मेलन कक्ष में एक समारोह आयोजित किया गया। कार्यपालक निदेशक वर्ग श्री शुभेंद्र दास ने महाप्रबंधक कोल एवं कोक श्री बी पटनायक और महाप्रबंधक एसएमएस 2 श्री जी बनर्जी को उनके संबंधित विभाग के लिए इस्पात सुरक्षा पुरस्कार प्रदान किया। गौरतलब है कि इस्पात उद्योगों में संयुक्त समिति सुरक्षा स्वास्थ्य एवं पर्यावरण JCSSI ने 19 मार्च को रांची में एक विशाल समारोह आयोजित किया, जिसमें भयावह दुर्घटना मुक्त दर्ज कराने वाले प्लांट को पुरस्कार प्रदान किया गया। इस समारोह में आरएसपी ने शून्य जोखिमता वर्ग में 2 पुरस्कार क कोल एंड कोक जोन, ख स्टील एंड सीसीएम जोन हेतु प्राप्त किया। उल्लेखनीय है कि प्लांटो विशिष्ट प्रचालन जोन एवं खदानों कोलियरी के सुरक्षा निष्पादन को मान्यता प्राप्त करने हेतु जो निर्धारित समय अवधि के दौरान किसी भी भयावह दुर्घटना से मुक्त रहा है, उनके लिए यह प्रतियोगिता आयोजित की गई। कार्मिक विभाग द्वारा 28 मार्च को HRD में आंतरिक जांच में प्रस्तुतीकरण योग्यता पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री पी के प्रधान उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर कार्यशाला का उद्घाटन किया। महाप्रबंधक कार्मिक एवं प्रशासन श्री आर खान इस अवसर पर सम्मानित अतिथि थे। उप महाप्रबंधक कार्मिक IR एवं R डॉ. PK साहू, उप महाप्रबंधक कार्मिक TETS एवं इंक्वायरी
श्रीमती एस त्रिपाठी, उप महाप्रबंधक कामिक सीओसीसी आधुनिकीकरण टीआरएम एवं एम श्री डी मिश्रा एवं कामिक विभाग के अन्य अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। ब्लास्ट फर्नेस सी एंड आईटी, सिविल इंजीनियरिंग सेवा, कोक अवन, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सीपीपीए, कोल रोलिंग मिल, वित्त एवं लेखा, अग्निशमन सेवा, एफएमएम, इंस्ट्रूमेंटेशन, सामग्री प्रबंधन, ओबीबीपी, विद्युत वितरण, आरसीएम, रिफ्रैक्टरी रोल शॉप, सिंटरिंग प्लांट, स्टील मेल्टिंग शॉप, एसएसएम, टी एंड आरएम, नगर सेवा एवं चिकित्सा विभाग जैसे 21 विभागों का प्रतिनिधित्व कर रहे कुल 33 कार्यपालकों ने कार्यक्रम में भाग लिया। एकत्रित कर्मी समूह को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने आंतरिक जांच करते समय फ्रंट लाइन कार्यपालकों के प्रस्तुतीकरण योग्यता को प्रखर बनाने में कार्मिक विभाग के प्रयासों की सराहना की। अति संवेदनशील प्रकृति की प्रक्रियाओं का उल्लेखनीय करते हुए श्री प्रधान ने संभागियों को नीति नियमों एवं प्रक्रियाओं की संपूर्ण जानकारी हासिल करने तथा मामलों के संबंध में निष्पक्ष निर्णय लेने एवं विवरण देने हेतु प्रेरित किया। उन्होंने संभागियों से दूसरों को भी प्रशिक्षित करने और इससे परिचित होने का आग्रह किया। इस अवसर पर श्री खान ने आंतरिक जांच में वास्तविक न्याय के महत्व पर प्रकाश डाला एवं संभागियों को निर्धारित मार्गदर्शन की सीमा के तहत कार्य करने का आग्रह किया। एक दिवसीय कार्यशाला में इस्पात उद्योग में अनुशासनिक प्रबंधन के अनुशासन एवं प्रासंगिकता की संकल्पना, स्थायी आदेश, सीडीए नियम, अनुशासनिक प्रक्रिया, आंतरिक जांच प्रक्रिया, आंतरिक जांच में प्रस्तुत एवं जांच अधिकारी की भूमिका जैसे विषय सत्र में शामिल थे। विचार विमर्श सत्र में कार्मिकों ने अपने अनुभव बांटे। आंतरिक संसाधन कार्मिक डॉ पी के साहू, श्री डॉ डी मिश्रा, सहायक महाप्रबंधक कार्मिक टी एस आई एवं ई, श्री जी आर दास एवं वरिष्ठ प्रबंधक कार्मिक सी एल सी श्री एस के देव ने सत्रों का संचालन किया। प्रारंभ में उप महाप्रबंधक कार्मिक टी ई टी एस एवं इंक्वायरी श्रीमती एस त्रिपाठी ने उपस्थित कर्मी का स्वागत किया एवं एच आर डी और कार्मिक विभाग के कार्मिकों के सहयोग से कार्यक्रम का संचालन किया। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार।